याद क्या तुझे को दिलाए तेरा पैमाना जाना अब तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना। भाई साहब परेशान कैसे ना, बच्ची की उम्र निकल जाती है तो फिर रिश्ते अच्छे नहीं मिलते, और वैसे भी खुशबख्त के माथे पर तो पहले ही तलाक का दाग है। जब से आप हमारी जिंदगी में आया और घर पे नहीं, हमको चैन नहीं आ रहा। तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जाना कमरा है, पानी मैंने रख दिया, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। नहीं, बस रात को सिर्फ प्यास ही लगती है, और कुछ नहीं चाहिए। चलो ठीक है, तुम आराम से सो जा। मैम साहब। क्या मुझे सिर्फ इस घर में रहना है, आपके साथ नहीं? देखो जब तुम्हारे माँ बाप हमें कबूल कर लेंगे तो फिर हम साथ रह लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, अब भी जाएं, आराम करें, अभी सो जाता हूँ। ठीक। ये गद्दा तो बड़ा नरम है, इस पर तो बड़े मजे की नींद आती है। हाँ। अजीब सा ढीला बिस्तर है, पता नहीं कैसे सोते हो। चार मुन्ना अपना पुराना तरीका। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अम्मी। हाँ। हमने मेहर को कबूल कर लिया है ना, तो हमें उसे कुछ देना नहीं चाहिए। जान तो ले गई है। छोड़ दे अम्मी, भूल जाए, जो कुछ हो चुका है उसके बारे में मत सोचें। ये तो उसी वक्त मुमकिन है जब या तो मेरी याददाश्त चली जाए या फिर मैं कब्र में चली जाऊं। अल्लाह ना करे। अच्छा अच्छा सोचे अम्मी। क्या सोचूं? वो मैं सोच रही थी
आप सामान देखकर उदास क्यों हो गए? ये चीजें मुझे अम्मी देती तो मुझे कितनी खुशी होती, शायद उन्होंने मुझे कभी माफ ही नहीं किया और करे भी क्यों? मैंने कितना बुरा किया उनके साथ, कितना रोई होंगी, कितना तड़पी होंगी वो, बहुत बुरी हूँ मैं, बहुत बुरी हूँ। आप हमारे सामने अपने आप को बुरा मत बोलो, आप चलो चलो हमारे साथ। आपका मन है? आप यहाँ चलते हैं आपके? आप लोग ये सामान वापस क्यों ले आए? बाजी ने अब तक हमारा मैडम को माफ नहीं किया है। मैडम रोता रहता है, तड़पता रहता है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इस घर से हमारी मैडम को खुशियां नहीं मिलता, दुआएं नहीं मिलता, तो हमको सामान भी नहीं चाहिए। आपने तो वादा किया था कि इसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे, हमेशा खुश रखेंगे इसको। हाँ, हमने वादा किया था कि हमारे मरने तक हम मैडम को खुश रखेगा, लेकिन बाजी दिल से माफी नहीं कर रहा है मैडम को। तो मैडम का दिल तो नाराज ही रहेगा ना इनसे, हम अपना वादा कैसे निभाएगा? अम्मी अगर आप कहेंगी तो मैं सारी जिंदगी आपसे माफी मांगती रहूंगी, लेकिन आपका ये रवैया मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज मुझे माफ कर दे अम्मी, प्लीज। आ मेरी बच्ची, इधर आओ, यहाँ मेरे पास में। अरे भाई भी बैठ जाओ। पहले आप हमको बताओ कि आपने दिल से माफ किया, हाँ या ना? अरे हाँ बाबा, दिल से माफ कर दिया है, बैठो। शुक्रिया। अच्छा सुनो, ये सारा सामान ले जाना अपने साथ। ये तो सामान आप खुद लेकर आएगा हमारे घर, फिर हम रखेगा, क्यों मैडम?
मैं ये सोच सोच कर परेशान थी कि तुमने ऐसे लड़के के साथ शादी का फैसला कैसे कर लिया। लेकिन जब मैंने सनी को देखा है, उसे परखा है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का है। बेटा मेरी एक बात याद रखना, कभी भी अपने शौहर को कमतर या गैर अहम ना समझना, हमेशा उसकी कदर करना। जी अम्मी, अब आप मुझसे मुतमईन हो गई हैं, तो अब आपको खुशबख्त की शादी के बारे में सोचना चाहिए। सर मैं और मेरे कुछ दोस्त यतीम खानों में पंखे और कूलर्स लगवा रहे हैं, तो मैंने सोचा इस नेक काम में अगर आप भी हिस्सा डाल दें तो। ये तो बहुत अच्छा काम शुरू किया है तुम लोगों ने, मैं जरूर हिस्सा डालूंगी। तो ठीक है, फिर मैं शाम को हाजिर हो जाता हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं डैड से बात करूंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा हो सके। अरे नहीं, डैड को मत कहिए आप, मैंने और मेरे दोस्तों ने सारा इंतजाम कर लिया। मैंने तो कहा नेकी का काम है, 100-200 भी जलेगा तो नेकी तो उतनी मिलेगी। जब इंसान कोई नेकी करना चाहे तो उसे खुले दिल से करनी चाहिए, बाकी अल्लाह की मर्जी है। लेकिन आपके डैड शायद मेरा नाम सुनकर नाराज होंगे, लेकिन तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं डैड के सामने तुम्हारा कोई जिक्र नहीं करूँगी। ठीक, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूँगा। ओके। हो गया काम, बहुत इजी है वैसे ही। क्या बात है, परेशान लग रही हैं आप, तो आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ ठीक हूँ। फिर इस तरह क्यों बैठी हैं, क्या हुआ है? महर के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। महर के लिए? उसके लिए तो आप इतनी खुश और मुतमईन थी, उसके लिए क्यों परेशान हो गई आप? महर के बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे, वो एक खूबसूरत और आजाद जिंदगी गुजारना चाहती थी। उसने इतना बड़ा कदम उठाया, घर से भाग गई सनी के लिए। कुछ सनी से उसे इतना प्यार था, वो उसे इतना अजीज था, तो मुझे बता देती, मैं किसी तरह से भी उसका निकाह पढ़वा देती उससे। नहीं अम्मी, उस वक्त हम सनी को कभी भी कबूल ना करते, कभी इस रिश्ते के लिए ना मानते। वो हमें एक बस कंडक्टर लगता, मामूली सा बस कंडक्टर। ना आप इस रिश्ते को मानती, ना हाजी अबा और मैं कभी 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 इस रिश्ते को कबूल ना करती। और महर ये सब जानती थी, इसीलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। देखो खुशबख्त, तुम्हारी जो उम्र है उसमें ऐसी ही सोच होती है, लेकिन मेरी उम्र और मेरा तजुर्बा। क्यों ऐसी बातें सोचती हैं जिनका कोई फायदा नहीं है? महर ने जो करना था वो कर चुकी है, अब वैसे भी वो सनी के साथ खुश है, वो एक अच्छा इंसान है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। तो बस अब आप उसके लिए ढेरों सारी दुआएं करें ताकि वो हमेशा खुश रहे। अल्लाह उसे तरक्की दे, बरकत दे और उसकी रोजी कुशादा करे। आमीन। चले अब अंदर चले, आराम कर जाए। चल। मैडम क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, किसी की याद आ रही है। किसका याद आ रहा था? मुझे एक बहन जैसी दोस्त बनी थी मेरी,
बहुत प्यार किया था उसने मुझसे, बहुत ख्याल रखा था मेरा। मैं इधर आई तो उसे बगैर बताए आ गई। तेरी क्या सोचती होगी मेरे बारे में, कैसी होगी? तो मैडम आप बात कर रहे हो ना अपने दोस्त से? हाँ आपका दोस्त है, आपको बात करना चाहिए। हाँ ये लो मैं फोन कर। जी जी पापा, मैं आपसे कहाँ फरमाइश करती हूँ, हमेशा तो आप अपनी मर्जी से ले आते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे ना आप वो ले आइएगा। शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। मैडम सो रहा होगा ना, या नया नंबर देख के फोन नहीं उठा रहा होगा। आप उदास ना हो, कल दोपहर को कर लेना बात। वो मैडम इतना दिन हो गया आपको, आपने किसी चीज का ख्वाहिश नहीं किया। मैं क्या फरमाइश करूंगी? कुछ भी ख्वाहिश करो, जो चाहिए आपको बताओ, हम लेके आएगा आपके लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैडम हमको पता है कुछ चाहिए आपको। क्या चाहिए? मोबाइल। क्या हुआ मैडम? मुझे मोबाइल नहीं चाहिए। मैडम हम महंगा और बड़ा मोबाइल तो नहीं दिला सकता, लेकिन अच्छा वाला मोबाइल दिला दे। महंगा हो या सस्ता मुझे मोबाइल नहीं चाहिए। क्यों? वो तुम्हारे पास है तो मोबाइल, जब मुझे जरूरत होगी मैं तुमसे ले लूंगी। हाँ वजह में मोबाइल लेने की क्या जरूरत है? ठीक है मैडम, फिर हम अपना पसंद से आपके लिए तोहफा लेके आएगा, आपको कबूल करना पड़ेगा। ठीक है। याद क्या तुझे को दिलाए, याद क्या तुझे को दिलाए, तेरा पैमाना जाना जाना। मैडम आप आराम कर लो, हम बाहर जा रहे हैं, आप दरवाजा बंद कर लो। सानी। जी मैडम। आप परेशान क्यों? तुम्हें बाहर मच्छर काटते हैं ना। आप इसलिए परेशान हो रहे हैं, आज हम मच्छरों को काट लेगा। मैं आपसे एक बात पूछूं? मैडम आपको हमसे कोई भी बात पूछने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। तुमने दिल से हमारे रिश्ते को कबूल नहीं किया ना। कैसी बात कर रहे, हमने तो आपको दिलो जान से कबूल किया। फिर रोज बाहर क्यों सोते हो? आपका इज्जत का खाता। अगर अब मैं तुम्हारी इज्जत हूँ, आज से तुम घर के अंदर सोगे, घर के बाहर नहीं। आखिर ये हम दोनों का घर है। तुम खुद ही आ जाना उनसे मिलने के लिए, मैं रिक्शे पे ही जाऊंगी। क्या हो गया? महर घर वापस आ गई है। खुशबख्त के साथ पता नहीं क्या क्या गुल खिलाता फिर रहा है। खुशबख्त
तुमने कहाँ देखा उन दोनों को? बाहर बाहर दोनों एक दूसरे के साथ आवारा गर्दी करने में मसरूफ थे। इंसान जाना।